ये हमारे भैया कुछ बना रहे हैं, ये आपको दिखाएंगे जी। यासमी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह यासमी, आप सुनाएं। ये हम आज वीकेंड है तो वीकेंड के लिए हम जरा खाना बना रहे हैं अपना। यानी पार्टी हो गई है? पार्टी हो रही है सर। ये खीर बना रहे हैं। क्या बात। ये तैर भाई बना रहे हैं पुलाव बीफ का, और ये पुलाव, ये पुलाव बीफ पुलाव स्पेशल बन रहा है। ये खीर जैसे हम बना रहे हैं बहुत टेस्टी बनती है। इसको 15-20 मिनट तक दूध को अच्छी तरह पका लें। जब दूध आपका 3/4 हिस्सा रह जाए उसमें फिर आप इसमें इलायची और चावल वगैरह डाल लें। चीनी आपने आखिर में डाल दी। सही हो गया। अभी ये क्या डाल रहे हैं अंदर? ये हम डाल रहे हैं अभी इलायची। इलायची से ज़रा इसकी खुशबू अच्छी बन जाती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है इलायची से, सबज इलायची से। तो इसके बाद क्या डालेंगे? इसके बाद डालेंगे इसको, अभी हमने पकाना है 10 मिनट। 10 मिनट तक दूध को अच्छी तरह से पकाना है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे चावल। फिर हम इसमें चीनी की जगह गुड़ डालेंगे, उससे टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। खीर पकाने के लिए तकरीबन है तो ये बहुत सिंपल काम है, लेकिन अगर आपने सही टाइम लगता है ना, सही खीर बनानी है तो उसके लिए आपको पूरा 1 घंटा चाहिए। बाकी मैं बाद में बताऊंगा। बाकी बाद में कहाँ जा रहा? कहाँ जा रहा? भैया अजीबा आने वाली हैं, सारे अजीबा होंगे आज। कितने कितने भरे हैं ये? तो कितने तक पहुँचे हो? सुटो यार, तेल सुटो है वो भी सुटो, प्याज है क्या? प्याज सुटो ना भी। चूल्हा घट नहीं चलना, मैं चूल्हा ज्यादा करो, चूल्हा घट नहीं चलना। कश्मीर से है ना? पहला कश्मीर पाया, फिर बादाम, गाजर, थोड़े चूल्हे बड़े साफ ने मेरे यार, चूल्हे मैं थोड़े बहुत साफ ने। अभी 15 मिनट तक चावल पकाएंगे।
छोटा प्याज बुद्ध बना होना अगे ये हमारी प्रदेश की लाइफ। लोग कहते हैं जी मुंडे साढ़े बाहर गेट हैं जी याद भाई। हाँ जी इतने जनाब देखते ये असं बहर आए इस टाइम अभी जनाब अपना खान पीन का मदद कर रहे हैं जिंदगी है प्रदेश की। पाया कर यार दस्ते नहीं दी मटन है क्या बीफ है ये बीफ है इन्हें बीफ पुलाव खाया जाए शायद बड़ी पार्टी हो गया अंडे के थोम है ये लहसुन है जी ये गार्लिक साबुत इससे के लिए बहुत अच्छा होता है ये भी बनेगा और आप इसको ऐसे खा भी सकते हैं। चावल भी डाल दिए हैं ये हमारा देसी भाई पतली देखे हमारी कितनी साफ है। इस तरह दस दौ कोई रौला नहीं है दम लग गया बस। चलो ये हमारे पुलाव को दम लग चुके हैं अब हम इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अगर कोई वजन रखकर वजन हमारे पास चीज कर देंगे ज़्यादा तो हम ये अपनी चाय वाली पुरानी पत्ती भी रखते हैं चौधरी साहब इसको पकड़ना खीर में बर्तन थोड़े बहुत साफ ने कितना टाइम के लिए दम लगाना ये आपको ये 20-22 मिनट के लिए अब इसको ज़्यादा से झटका नहीं लगाना भाई ये नीचे नीचे गिर रहा है। ये भी सही बोला मैं कुछ बोल गया था मार्केट से लाने के लिए दही बस दही लेने आए भाई इधर 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 स्टैंड में नीचे बत्तूक बत्तूक ले
पुलाव का टाइम हो गया, कपड़ा देना जरा ठंडा ही है, बहुत गर्म है। अभी हम इसका दम खोलेंगे। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। लें जी नदीम भाई, देखें पुलाव तैयार हो गया हमारा स्पेशल बीफ पुलाव। चावल क्या ही बात है जनाब, जबरदस्त तैयार हुए। सुभान अल्लाह। तार भाई छा गया दसी जी जी, तार भाई ने बहुत जबरदस्त किस्म का पुलाव बनाया है। ये ऊपर गार्निश गाजर वगैरह बादाम। नहीं सर पुलाव आपका तैयार अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये हमारी खीर, क्या बात माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारे चावल, अल्लाह पाक आप सब पर रहमत फरमाए, करम फरमाए, अपना फजल फरमाए। इसी दुआ उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना और अपना चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।